और 10th फिजिक्स का यूनिट नंबर 9 और हमारे चैप्टर का नेम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। आज हमारा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशंस? रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। देखिए, हमारे अर्थ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इंसानों ने, साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस मौजूद हैं, क्योंकि वो हर वक्त अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट कर रही हैं, ठीक है। तो रेडिएशंस जो मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से, उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस का। Everywhere in rock, soil, water and air of our planet are traces of radioactive element. हर जगह soil में, water में, air में, rocks में radioactive elements के traces पाए जाते हैं। This natural radiation, ये जो कुदरती तौर पर radiations है, इनको हम किसका नाम देते हैं? Background radiations का। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, हमारे अर्थ में कुदरती तौर पर radioactive elements पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेडिएशंस इमिट होती हैं क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। उनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हैं, अनस्टेबल हैं वो। खुद को स्टेबल करने के लिए वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ये रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, ठीक है। उन रेडिएशंस को जो कुदरती तौर पे रेडिएशंस है, उनको हम नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस का। ये रेडिएशंस भी इसी तरह से मौजूद हैं जैसे कि सनलाइट है। हर जगह इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। कुछ इनकी अमाउंट जो कम मिकदार है वो तो ह्यूमन बॉडी उसको बेयर कर लेती है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मिकदार कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे जो रेडिएशन होती हैं, ठीक है, वो इंसान के लिए क्या है? ख़तरनाक है। जो कम मिकदार में रेडिएशन हैं वो हमारे लिए इतनी डेंजरस नहीं है। नेक्स्ट है कॉस्मिक रेडिएशंस। कॉस्मिक रेडिएशंस क्या है? द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव्स रेडिएशन फ्रॉम द आउटर स्पेस। अर्थ और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन पर, वो आउटर स्पेस से भी रेडिएशंस को रिसीव कर रही हैं, और जो आउटर स्पेस से रेडिएशंस आ रही हैं उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस का, ठीक है। जो अर्थ पर ही रेडिएशंस मौजूद हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से, उन रेडिएशंस को हम बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम देते हैं। और वो रेडिएशंस जो हम आउटर स्पेस से रिसीव कर रहे हैं, जो स्पेस से अर्थ पर आ रही हैं, उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस का। कॉस्मिक रेडिएशंस प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, और उसके अलावा भी लार्जर न्यूक्लियाई हो सकते हैं। द कॉस्मिक रेडिएशन इंट्रैक्ट विद द एटम्स इन द एटमोसफेयर। जैसे ही वो स्पेस से हमारे एटमोसफेयर में आती हैं, हमारे एटमोसफेयर में भी एटम्स मौजूद हैं, गैसेस मौजूद हैं, तो वो क्या करती हैं? वो रेडिएशंस एटम्स के साथ इंट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, टू क्रिएट अ शॉवर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन। और जब उनके साथ इंट्रैक्ट करती हैं, उनके इंट्रैक्ट के नतीजे में कुछ और रेडिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं सेकेंडरी रेडिएशंस का। उन रेडिएशंस में कौन कौन सी हो सकते हैं? अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो न्यू बनेंगे, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, एक्सरेज भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, म्यूनस भी हो सकते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ये सारे हमारे पास क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। दोबारा से बता देती हूँ कि ऐसी रेडिएशंस जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, पहले से ही अर्थ पर मौजूद हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से, उनको हम नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस का। और ऐसी रेडिएशंस जो हमारी अर्थ आउटर स्पेस से रिसीव कर रही है, जो स्पेस से अर्थ पर रेडिएशंस आ रही हैं, उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस का। जब ये रेडिएशन, इन रेडिएशंस में प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स और भी न्यूक्लियाई हो सकते हैं। जब ये रेडिएशंस हमारी ज़मीन पर आती हैं, तो एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स के साथ
एटमॉस्फेयर में गैसेस भी मौजूद है ना, तो उनके एटम्स के साथ जब ये आके इंटरेक्ट करती हैं तो न्यू रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं स्कैटरिंग रेडिएशंस का। उन स्कैटरिंग रेडिएशंस में क्या क्या हो सकते हैं? एक्सरेज हो सकते हैं, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, म्यूज और न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा, इनको हम नाम देते हैं स्कैटरिंग रेडिएशंस का। नेक्स्ट है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस इन विच आर पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई। वो न्यूक्लियस जो क्या है, अनस्टेबल है, चेंजेस इन टू अ मोर स्टेबल, वो चेंज हो जाता है मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में, जिसको हम नाम देते हैं डॉटर न्यूक्लियाइड का, विद द एमिशन ऑफ रेडिएशंस। चेंज कैसे होगा? अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करके। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। नाम किसका देंगे, इसलिए नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई का नाम दे रहे हैं, वो चेंज हो जाता है। चेंज वो किस में होगा? मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में। और वो जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उसको हम नाम देंगे डॉटर न्यूक्लियाई का। अब वो चेंज होगा कैसे? विद द एमिशन ऑफ रेडिएशंस, अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करके, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन हम उसे कैसे करेंगे? रेडिएक्टिव डिके बाय मीन्स ऑफ न्यूक्लियर इक्वेशन इन विच एन अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाइड, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, चेंजेस इन टू अ डॉटर न्यूक्लियाई, वो किस में चेंज होगा? डॉटर न्यूक्लियाई में, जिसको हम नाम देंगे वाई का, विद द एमिशन ऑफ रेडिएशंस। और वो चेंज कैसे होगा? रेडिएशंस को इमिट करके। वो रेडिएशंस कौन सी हो सकती हैं? तीन टाइप्स हमने पढ़ी हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। उसको आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन को एक बार मैं आपसे रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज हो जाए स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में, और वो चेंज कैसे होगा? रेडिएशंस को एमिट करके। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में। जब हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो जनरल इक्वेशन में पेरेंट न्यूक्लियाइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और जो न्यू डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है वो स्टेबल हो, ठीक है? हो सकता है कि वो भी अनस्टेबल हो, लेकिन वो क्या होगा? पेरेंट न्यूक्लियाई से कुछ ना कुछ स्टेबल होगा और वो भी अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करेगा। और ये अमल उस वक्त तक होता रहेगा जब एटम का एटॉमिक नंबर 82 से कम ना हो जाए, वो ज्यादा स्टेबल ना हो जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्फा डीके। अल्फा डीके हमारे पास क्या है? जनरल इक्वेशन लिखते हैं, एक्स हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई का नाम दे रहे हैं। ए हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास। जेड हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है? अल्फा डीके है तो इसमें से हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है इसमें से अल्फा पार्टिकल रिमूव होगा। अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या है? हीलियम का न्यूक्लियाई है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। और एटॉमिक मास क्या है? 4। तो हम क्या लिखेंगे? जो हमारे पास न्यू डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस करेंगे और उसके एटॉमिक मास में से हम क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे। क्यों ये माइनस कर रहे हैं 2 और 4? क्योंकि उसमें से हीलियम न्यूक्लियाई हमारे पास क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है। हीलियम रेडिएशंस इमिट हो रही है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है? 2 और 4 है। इसलिए हम क्या करेंगे? वाई के एटॉमिक नंबर में से 2 को माइनस करेंगे, ठीक है? और हमारा जो मास नंबर है वो 4 माइनस होगा और उसके साथ साथ क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। इक्वेशन आप एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास एक्स क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाइड है। वाई जो न्यू बना है वो हमारे पास क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई है। हीलियम हमारे पास क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास रेडियम, एटॉमिक नंबर क्या है? 88 और एटॉमिक मास क्या है? 226। जैसे ही रेडियम में से हीलियम न्यूक्लियाई क्या होगा? इमिट होगा, तो हमारे पास वो किस में चेंज हो रहा है? रेडॉन में, ठीक है? रेडॉन में जब वो चेंज होगा तो हीलियम न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 88 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया है? 86, ठीक
ठीक है। और उसके बाद जब एटॉमिक मास 226 है, एटॉमिक मास हमारे पास रेडियम का 226 है, हीलियम पार्टिकल रिमूव हुआ है, हीलियम का एटॉमिक मास क्या है 4, तो हम 226 में से 4 को माइनस करेंगे और हमारे पास जो एटॉमिक मास रह जाएगा वो क्या है 222, और ये किसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास है रेडॉन का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, रेडियम है उसका एटॉमिक मास क्या है 88, 82 से ज़्यादा है, ये अनस्टेबल है, उसने अल्फा डिके शो किया, अल्फा रेडिएशन इमिट की और वो किस में चेंज हो गया, रेडॉन में चेंज हो गया, और उसका एटॉमिक मास क्या है 86। देखें 88 ज़्यादा प्रोटॉन्स है, इसमें रिपल्शन क्या होगी ज़्यादा होगी, ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये क्या है हाईली अनस्टेबल है, लेकिन जब ये रेडॉन में चेंज हो जाएगा एटॉमिक नंबर जो है वो कम हो गया है, ठीक है, प्रोटॉन्स कम हो गए हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेबल होने के बाद इसमें से रेडिएशंस भी इमिट, एनर्जी भी इमिट होती है, इट मींस दैट इन अल्फा डीके द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस रिड्यूसेस बाय 2, एटॉमिक नंबर जो है वो 2 रिड्यूस हो जाएगा एंड इट्स मास नंबर 8 डिक्रीज बाय 4, और मास नंबर 4 डिक्रीज होगा। अल्फा डीके में जब कोई भी एलिमेंट अल्फा डीके शो करेगा, ठीक है, अल्फा डीके शो करने के बाद जो हमारे पास न्यू डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है उस डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 2 कम होगा पेरेंट न्यूक्लियाई से, ठीक है, और उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना कम होगा 4 कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा डीके, बीटा डीके क्या है, जनरल इक्वेशन देखते हैं, एक्स ए जेड हमारे पास क्या है एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, वाई जो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है जेड प्लस 1, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं जेड प्लस 1 लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा और मास नंबर ए में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। प्लस बीटा हमारे पास क्या है, असल में बीटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखें किसी भी न्यूक्लियाई में, ठीक है, जो एटम है एटॉमिक फॉर्म में है, आयन नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो उसमें प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है, ठीक है, ये हम 9th केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर अगर किसी एलिमेंट का 2 है उसका मतलब उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसका मतलब 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स भी 10 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 10 है। अब बीटा डीके में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास पहले इलेक्ट्रॉन्स 10 थे, एक निकल गया है 9 रह गए हैं, तो उसके प्रोटॉन तो कितने होंगे 10 होंगे ना, प्रोटॉन क्या है एक ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जेड प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हम प्रोडक्ट के जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को आपस में सम करें, वो हमारे पास किसके इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट के इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इनके पेरेंट न्यूक्लियाई के इक्वल होने चाहिए। अब आप यहाँ पर देखें एटॉमिक नंबर ए है 0, ए प्लस में ए में हम 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर ए ही आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है जेड प्लस 1 और ये माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, और जेड इज इक्वल टू किसके हो जाएगा जेड के हो जाएगा। अगर हम पीछे अल्फा डीके में देखते हैं, अल्फा डीके में देखें 86 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 88, ठीक है, 222 प्लस 4 कितना हो गया 226 हो गए। इसी तरह से हम क्या करेंगे बीटा डीके में भी, बीटा डीके की एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कार्बन 14, एटॉमिक मास है 14 और एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन 14 जैसा कि हम जानते हैं ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब इसमें से बीटा पार्टिकल्स इमिट होंगे, बीटा रेडिएशंस इमिट होंगे, बीटा रेडिएशंस इमिट होने के बाद देखें पहले इसमें क्या है, बीटा रेडिएशन जैसे ही इमिट होंगे तो ये हमारे पास पहले एटॉमिक नंबर क्या था 6, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा ना, तो प्रोटॉन ज्यादा होगा, पहले 6 थे अब कितने हो जाएंगे 7, और हमारे पास 7 एटॉमिक नंबर किसका है नाइट्रोजन का है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है ये स्टेबल है और जो कार्बन 14 है ये क्या है अनस्टेबल, स्टेबल से वो किस में चेंज हो गया अनस्टेबल में चेंज हो गया, और उसके साथ हमारे पास क्या हो रहे हैं बीटा
रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, ठीक है, और साथ उसकी एनर्जी रिलीज हो गई. इट मीन्स दैट इन बीटा डिके में क्या होगा, अटोमिक नंबर दैट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाइड इंक्रीजेस बाय वन. अटोमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, वन इंक्रीज होगा, उसमें एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. एंड इट्स मास नंबर ए रिमेन्स अनचेंज, और मास नंबर क्या होगा, अनचेंज होगा. अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अटोमिक नंबर और अटोमिक मास को आपस में सम करते हैं, कार्बन का अटोमिक मास है 14, ठीक है. अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं 14 प्लस 0, आंसर क्या है 14. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और यहाँ पर देखें 7 माइनस 1, तो यहाँ पर भी टोटल कितना हो जाएगा 6. जितना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास रिएक्टेंट का आया है, उतना ही हमारे पास किसका बन रहा है, प्रोडक्ट का बन रहा है. नेक्स्ट हमारे पास डीके है, गैमा डीके, जनरल इक्वेशन. इसमें होता क्या है कि बाज़ुकात ऐसे होता है कि रेडिएशंस कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी हाई हो जाती है. और किसी भी एटम की एनर्जी जितना ज़्यादा हाई होगी, वो उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा. तो गैमा डिके में अटोमिक नंबर और अटोमिक मास पे कोई भी चेंजिंग नहीं आती. सिर्फ चेंजिंग आती क्या है कि जो उन्होंने हीट एनर्जी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे, वो उसी एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज. अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है एक्स ए जेड स्टार, ये शो कर रहा है, ये एक्साइटेड स्टेट को शो कर रहा है कि इस एलिमेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, हायर एनर्जी लेवल्स पे चले गए हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया. हमारे पास ये पेरेंट न्यूक्लियाइड है, वो चेंज किस में होगा, डॉटर न्यूक्लियाई में. अटोमिक नंबर और अटोमिक मास चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे. सिर्फ होगा क्या कि उसने जो रेडिएशन जो हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, वही वो एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा. एग्जाम्पल देखिए, कोबाल्ट है 2760, एनर्जी क्या है, हाई स्टार शो कर रहा है एक्साइटेड स्टेट को कि इसने एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है. तो इसने क्या किया है कि वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, उसको रिलीज कर दिया है. किसके फॉर्म में रिलीज किया है, गैमा रेस के फॉर्म में. गैमा रेस का ना तो कोई एटॉमिक नंबर है, ना ही मास नंबर, दोनों क्या है, जीरो है. तो 27 प्लस 0 आंसर क्या होगा, 27. 60 प्लस 0 आंसर क्या है, 60. सिर्फ हुआ क्या है कि कोबाल्ट ने जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो गया था, उसी एनर्जी को उसने क्या किया, रिलीज कर दिया है. गैमा रेस आर यूजली इमिटेड अलॉन्ग विद एदर एन अल्फा और अ बीटा पार्टिकल. गैमा रेज जो है वो किसके साथ होती है रिलीज, अल्फा पार्टिकल के साथ भी हो सकती है और बीटा पार्टिकल के साथ भी हो सकती है. गैमा रेज जब इमिट होंगी तो एलिमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ना तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा और ना ही एटॉमिक मास चेंज होगा. अल्फा पार्टिकल्स में एटॉमिक मास 4 चेंज होता है, एटॉमिक नंबर 2 चेंज होता है. बीटा पार्टिकल्स की जब एमिशन होगी, एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है. और गैमा रेस में क्या होगा, ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा और ना ही एटॉमिक मास चेंज होगा. सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर आ रही है कि एटम ने जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो गया था, वो अपनी उस एनर्जी को रिलीज कर देगा. और वो किसके फॉर्म में रिलीज करेगा, गैमा रेस की फॉर्म में. और अपने अंदर से गैमा रेडिएशंस को इमिट करने के बाद क्या होगा, स्टेबल फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा. थैंक यू.